नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने SSC CHSL 10+2 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है भाई, तो उसका किस प्रकार से आपको मोबाइल फ़ोन से UPI के माध्यम से आपको पेमेंट करना बताएंगे कि आप किस प्रकार घर बैठे मोबाइल फ़ोन से जो है अपना पेमेंट कम्प्लीट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपको जो है आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको पैसे में भी आपको छूट मिलेगा। तो सर्वप्रथम आपको मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद आपको SSC डाल के सर्च कर लेना है। SSC की वैकेंसी है तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे भाई ना, तो इसकी ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा जहाँ से इसका जो है आप जो है चेक कर सकते हो अपना रिजल्ट। बहुत सारा कुछ यहाँ देखने को ऑप्शन मिलता है, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, तो यहाँ से अप्लाई भी होता है, आप फॉर्म स्टेटस भी चेक कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, यहाँ बहुत सारा कुछ होता है। तो इसी की ऑफिशियल साइट से हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आप इसे डेस्कटॉप मोड साइड में ओपन कर सकते हो। उसके बाद जो है डेस्कटॉप मोड साइड में ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। लॉगिन के ऑप्शन में आपको जो है अगर आप फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके जो है अपना यहाँ कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो हम जो है पहले से भी SSC में की जो वैकेंसियाँ आई थी उसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, तो हमारे पास पासवर्ड और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास है, तो हम जो है यहाँ पर फिल करके उसके बाद यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही भाई आपका जो है न्यू ऑप्शन ओपन होगा जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे और पेमेंट भी कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ आने के बाद फर्स्ट ही वैकेंसी जो है, फर्स्ट जो ऑप्शन यहाँ वैकेंसी चल रही हो, यहाँ आपका चल रहा है SSC CHSL 10+2 की। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट का, यहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर बहुत सारा कुछ होता है तो यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे भाई ना, तो यहाँ पर इसकी न्यू ऑप्शन ओपन होगा जहाँ से आप जो है अपना पेमेंट कंप्लीट कर पाओगे। तो हमने पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दो माध्यम मिलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हमें जो है ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करके जो है सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ जो जितने भी माध्यम होते हैं पेमेंट का, तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जितने भी माध्यम होते हैं पेमेंट का, उन सभी का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। तो आपके पास अगर कार्ड है, आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे अच्छा और सबसे सरल माध्यम जो होता है वहाँ UPI होता है। तो यहाँ लास्ट में UPI का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको UPI के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको जो है ऑप्शन दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा आपको यहाँ पर BPA और QR कोड। तो यहाँ पर BPA पे क्लिक करोगे तो आपको जो है आप जो है यहाँ UPI ID डालना पड़ेगा। अगर आप QR कोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दूसरी मोबाइल से जो है QR कोड जो है स्कैन करके जो फिल कर सकते हो। तो हम BPO के माध्यम से करेंगे, तो हम यहाँ UPI ID अपना फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम जो है यहाँ कन्फर्म का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम इस पर फिल करने के बाद दो बार UPI ID फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते ही आपके आपको दो बार यहाँ से कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो है जहाँ से आपने UPI ID कॉपी किया है वहाँ पर एक रिक्वेस्ट दिखाएगा जो SSC के द्वारा भेजा जाता है। तो उसके बाद यहाँ से इसे करने के बाद आपने जहाँ से UPI ID कॉपी किया है वहाँ जाना है। तो हमने UPI ऐप को ओपन कर लिया है, गूगल प्ले स्टोर, गूगल पे को, यहाँ पर गूगल पे से हमने UPI ID कॉपी किया है, तो यहाँ से हमने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक जो है आपके मोबाइल में एक रिक्वेस्ट भेज दिया जाता है, तो कुछ देर वेट करना है। देखिए भाई हमारा जो है रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर आ गया है 100 रुपये का। तो यहाँ से आप अपना जो है आपको जो है अपना पिन फिल करना है। पिन फिल करने के बाद आप 100 रुपये जो है फिल कर देंगे, उसके बाद आसानी से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा कुछ इसी प्रकार से। उसके बाद अगर आप पेज इडर बता दे रहा है यहाँ से आप पेमेंट करने के बाद, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपका फार्म जो है 72 घंटे के बाद हो जाएगा, पेमेंट भी आपका 72 आवर के बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्त। चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू दोस्तों।